आज पट सावित्री की पूजा है। इस पूजा को पूरे भारत वर्ष में महिलाएं पूरे धूमधाम से मनाती हैं। आज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और जगह जगह पे दिखाई देती हैं, जो कि उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है या उनके सुहाग की निशानी है। आज ये औरतें अपनी सुहाग के लिए मंगल कामना करती हैं और बट वृक्ष की पूजा अर्चना भी करती हैं। आज 6 जून गुरुवार को बट सावित्री का पर्व मनाया जा रहा है। बट सावित्री यानी कि सुहागनी जिस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन वट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की भी पूजा की जाती है। साथ ही विधि विधान के साथ पूजा करके वट सावित्री व्रत वट वृक्ष के नीचे कथा सुनी और सुनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का काफ़ी महत्व होता है। वट सावित्री व्रत कथा के पौराणिक महत्व, पूजा विधि और सावित्री सत्यवान की अद्भुत कहानी के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। इस व्रत की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझे और व्रत की संपूर्ण जानकारी को आराम से हम जान सकते हैं। आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि वट सावित्री वाले दिन आखिर बरगद के पेड़ की ही पूजा क्यों होती है। तो मान्यता अनुसार ये कहा जाता है कि इस दिन बरगद के पेड़ पर यमराज निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती हैं। साथ ही बरगद के पेड़ पर यमराज के साथ साथ त्रिदेव भी निवास करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बरगद पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में भगवान शिव वास करते हैं। कहा जाता है कि जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज ने हर लिए थे तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने के लिए प्रार्थना की थी। पौराणिक मान्यता है कि तब यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाकर सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। यमराज ने बरगद की जड़ों में सत्यवान के प्राण को जकड़ कर रखा हुआ था। यमराज के प्राण लौटाए जाने के बाद से सुहाग की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे प्रार्थना की जाती है। वट सावित्री व्रत कथा के बाद वट वृक्ष में 7 बार कलावा लपेटकर बांधा जाता है। वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करने को पति पति के 7 जन्मों के संबंधों से जोड़ कर देखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ऐसे में देश के हर सुहागन औरतों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं।